ओके, ये जो चैप्टर है ना परसेंटेज इन ज्योमेट्री, इसमें हमारे पास ज्योमेट्री के ही कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके अभी तक सीएसएस की एबिलिटी में नहीं आए हुए, लेकिन आ भी सकते हैं फ्यूचर में। और दूसरा ये कि ये वन पेपर में लाजमी क्वेश्चन आते हैं। इसकी स्टेटमेंट किस तरह होती है, जैसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20% देन द एरिया इज इंक्रीज बाय। ये पेज नंबर मेरी बुक का पेज नंबर 60 है। अब इसमें सबसे पहले उसने ये स्टेटमेंट बोली है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20% देन द एरिया देन द एरिया इज इंक्रीज बाय। अब जब सी एस एस एबिलिटी में जब आएगा तो इसका क्वेश्चन जैसे आएगा, देन द एरिया इन परसेंट इज इंक्रीज बाय, कि कितने परसेंट में इंक्रीज हुआ है। क्योंकि अभी तो आप लोगों ने ऑप्शन से आप लोगों ने देखना, ऑप्शन में तो आपके परसेंट आपके गेवन है, मेरी बुक में जो एमसीक्यू उस टाइप जो क्वेश्चन बने हुए। अच्छा बारह, अब इस क्वेश्चन में अब आप लोगों को रेडियस ऑफ सर्कल की बात हो रही है और आगे एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है, इसका मतलब आप लोगों को सर्कल के बारे में थोड़ा सा आपको नोआ होना चाहिए। सर्कल का जो एरिया है ना, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। पाई फिक्स वैल्यू 3.14 है, आर स्क्वायर आर स्टैंड फॉर रेडियस, ठीक है। और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेथ, या एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है लेंथ इनटू लेंथ। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये देख दो कंसेप्ट सिर्फ और आप लोगों के इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके आते हैं, या तो वो सर्कल की बात की जाती है या फिर रेक्टेंगल की बात की जाती है। तो इसका आप लोगों को बकायदा आप लोगों को एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया का ही क्वेश्चन आता है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20% देन द एरिया इज इंक्रीज बाय। अब इसके अभी आप लोगों को मैं दो मेथड आपको सिखाऊंगा। एक पहला आप लोगों को इक्वेशन मेथड आपको सिखाऊंगा, जो कि खास तौर पे सीएसएस एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, फिर अब मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर रेडियस ऑफ सर्कल को अगर मैं 20% अगर इंक्रीज कर दूं, 20% अगर मैं बढ़ा दूं, तो फिर बताओ इसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर, ये आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ये देखें, ये एरिया ऑफ सर्कल जो मैंने लिखा है ये एक्चुअल में इसका एक्चुअल एरिया है, एक्चुअल एरिया। अभी मैंने इसमें 20% बढ़ाया नहीं है। वो जब कहते हैं ना कि रेडियस अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो फिर उसके बाद क्या होगा, अभी हम लोग उसकी वर्किंग करने लगे। अब ये देखिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर है, तो उसमें रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल है आर, ये रेडियस ऑफ सर्कल है आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आर है। अब ये देखो, वो कहता है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है ना उसको मैंने कितना बढ़ा दिया, 20% मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब 20% अगर आप लोगों ने इसको इंक्रीज किया तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेडियस, कि भाई इसका न्यू रेडियस कितना आएगा। न्यू रेडियस अब कितना आएगा, पहले रेडियस आर है, इसमें आप लोगों ने इसी आर का 20% आपने इंक्रीज कर दिया। आपको याद होगा हम लोग जब परसेंटेज जब सॉल्व जब कर रहे थे, आपको याद होगा हम वहां पे लिखते थे एक्स में उसी एक्स का 20% जब हम लोगों ने इंक्रीज किया तब जाके वो वाली अमाउंट 575 होगी। किसी को याद है, इस तरह हम लोग परसेंटेज में इक्वेशन हम लोग बनाते थे। आप में से शायद किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि सर एक एक्स तो ये तो आ गया, इसके साथ सर हम लोग एक्स क्यों लिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें इसी का 20% हम लोगों ने ऐड करना है। तो अब सेम टू सेम यही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि आर में हमने इसी आर का 20% हम लोगों ने ऐड करना है, तो ये हमें न्यू रेडियस की हमें वैल्यू दे देगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसकी कैलकुलेशन में करता हूँ, मैं इसको रेज कर दूँ ताकि आप जब आप होमवर्क जब आप देखो आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। अच्छा देखें, अब इसका न्यू रेडियस कितना आएगा, 21.25
तो ये बनेगा आर प्लस आर ओवर फाइव, इसका फाइव इसका एलसीएम आएगा, फाइव अंदर फाइव, ये फाइव आर, फाइव अंदर और ये आर, तो ये आपके पास आ गया सिक्स आर ओवर फाइव या सिक्स अपॉन फाइव आर, तो ये आपके पास आ गया न्यू रेडियस। मुझे बताइएगा यहां तक सबको क्लियर है? ओके देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल रेडियस था ये वाला आर, अब हम लोगों ने न्यू रेडियस निकाल लिया सिक्स अपॉन फाइव, यानी कि ये वो रेडियस आया है, इसमें अब 20% अब हमारा ऐड भी है, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालेंगे अब हम इसमें फाइंड आउट अभी हम लोग करेंगे न्यू एरिया। जी बेटा आपको मैं ये दिखा दूं, मैं जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं न्यू एरिया, जैसे हम लोगों ने न्यू रेडियस निकाला है ना, अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं न्यू एरिया। तो न्यू एरिया कैसे आएगा, न्यू एरिया ऑफ सर्कल, आपको सर्कल के एरिया का फार्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर है, तो आर की जगह अब आएगा सिक्स अपॉन फाइव आर, क्योंकि न्यू रेडियस तो ये है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की जगह मैंने सिक्स अपॉन फाइव आर लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे न्यू रेडियस चाहिए, क्योंकि मैंने इसका न्यू एरिया निकालना, तो ये आएगा पाई इंटू 36 अपॉन 25 आर स्क्वायर। तो अब आप ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हैं तो ये बनता है 36 ठीक है, ये आ गया न्यू एरिया। आप मुझे बताएं ये इसका ओरिजिनल एरिया था, ये इसका आ गया न्यू एरिया। अब आप इसके कैसे परसेंट आप चेक करोगे कितने परसेंट एनपीए हुआ है, कोई मुझे हेट को दे सकता है? हाँ जी, आप लोग कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? बेटा आप लोगों के माइक ऑन है, आप बेशक माइक पे मुझे बता सकते हैं, कोई मुझे गाइड कर सकता है? बेटा आप लोगों को प्रॉफिट लॉस परसेंटेज याद है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में हम लोगों ने लॉस प्रॉफिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट। तो अब यहाँ पे जब इसका एरिया जब इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज जब वैल्यू होती थी, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, जब वैल्यू इंक्रीज होती थी प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट परसेंट हम लोग लगाते थे ना। तो अब इसमें अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट का हम लोग फॉर्मूला लगाएं, लेकिन वर्डिंग हम लोग प्रॉफिट परसेंट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया इंक्रीज परसेंट, यानी कि प्रॉपरली सी एसेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये वाली वर्डिंग लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज परसेंट। अब किसी को प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला याद है, क्या था प्रॉफिट परसेंट फार्मूला? हाँ जी शाबाश, किसी को नहीं याद? देख ले बच्चों, साथ साथ आप लोग रिवीजन किया करो, रिवीजन करोगे तो आपको साथ साथ चीजें आपको याद रहेंगी। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, याद आ गया, डिवाइडेड ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। एरिया इंक्रीज हुआ ना, तो अब एरिया इंक्रीज का अब हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अब हम लोगों ने लगा दिया। अब ये देखो न्यू वैल्यू आपके पास कितनी है, न्यू वैल्यू है 36 ओवर 25 पाई आर स्क्वायर माइनस ओरिजिनल एरिया कितना था, ये देखो मैं आपको दोबारा में बता दूं, ये न्यू एरिया था, ये ओरिजिनल एरिया था, ठीक है। अब हम लोग ये चेक कर लें कि कितने परसेंट ये इससे इंक्रीज हुआ है, ये ओरिजिनल एरिया आ गया डिवाइडेड, ये ओरिजिनल एरिया आ गया मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसके तो बस आप लोगों ने एक दो स्टेप पर याद रखने हैं, एक आप लोगों ने इसमें ओरिजिनल आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है, एक आपने इसमें ओरिजिनल एरिया याद, ओरिजिनल वैल्यू मतलब रेडियस, अगर आपको रेक्टेंगल अगर देगा तो उसमें आपको ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल विड्थ आपको पता होगी,
फिर इसी तरह आपको न्यू लेंथ और न्यू वेट पता होना चाहिए और आपको न्यू एरिया पता होना चाहिए। जब न्यू एरिया आ जाएगा फिर आप लोगों ने उसको फॉर्मूले में पुट करके अपने अपने आंसर निकालने। अब आप ये देखो यहाँ पे इसमें भी पाई आर स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ये देखो दोनों इसमें से कॉमन आ रहे हैं। पाई आर स्क्वायर अगर आप कॉमन आप लो तो अंदर क्या क्या बच्चे का अंदर बचेगा 36/25 - 1 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये पॉइंट सबको समझ आया? ओके अच्छा अब ये देखें, अब इसमें से पाई आर स्क्वायर काइंडली दोबारा रिपीट कर दे, समझ नहीं लगी। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि 5x - 4x ये कितना आता है, ये 1x आता है ना। अगर इन दोनों में से x अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर 5 - 4 बचेगा ना, ये भी इस तरह भी तो 1x आ सकता है। तो यहां से आप देखो 36/25 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, माइनस पाई आर इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखें दोनों में पाई आर स्क्वायर हमारा बाहर हमारा कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर क्या क्या बच गया, इसमें 36/25 बच गया, इसकी जगह 1 बच गया, क्योंकि पूरे का पूरा हम लोगों ने बाहर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये देखें पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट बच गई है और मल्टीप्लाइड बाय 100 बच गया। हम इसको लिखेंगे 36/25 - 1 और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये ब्रैकेट अंदर सॉल्व होगा एलसीएम से, इसका 25 इसका एलसीएम आ गया 36 - 25, आप ब्रैकेट ओपन कर लें इंटू 100, 11/25 × 100 44%। ये जो एरिया इंक्रीज हुआ है ये एक्चुअल में 44% आपके एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है। सर अगर ना ले पाई और आर स्क्वायर तो, अगर पाई आर स्क्वायर अगर हम लोग ना ले तो कॉमन ना ले यार, अगर कॉमन आप आगे अगर आप लोग कॉमन नहीं लोगे तो देखो 36/25 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको दोबारा जब आप लोग सॉल्व जब करोगे ना तो ये आपका यही बनेगा, ये बनेगा 11/25, साथ आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे पे पाई आर स्क्वायर होगा वो दोबारा फिर से कैंसिल हो जाएगा, समझ आ गई। यानी कि जब आप इसका एलसीएम आप लोगे ना, ठीक है, तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में आप लोग ये सारा कुछ आप लोग ऐसे ही सॉल्व करोगे 11/25 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे फिर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग अगर स्टार्ट में अगर कर लें ज्यादा बेहतर है, ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन ताकि आसान हो जाए। अमीर नवाज मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ, पहले एक और क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके दें ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को समझ आए कि नहीं, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। मुझे जरा ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करके दें, लास्ट वाला क्वेश्चन। अब ये देखो अगर वो डिक्रीज अगर कहेगा तो आप लोगों ने उसमें से माइनस, बल्कि मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करके देता हूँ, आप लोगों को टाइम उसमें ज्यादा लग जाएगा। अब जरा लास्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन में वो डिक्रीज की बात कर रहा है, क्वेश्चन में कहता है 7 में इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज बाय 40%। अब वहां पे क्या था, इंक्रीज था ना, अब इसमें अब आपका आ रहा है डिक्रीज परसेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे आर में आपने जमा किया था, यहाँ पे अब आप लोग आर में माइनस आप लोग फिर करोगे। अब ये देखें, अब आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। देखें सबसे पहले मैं एरिया ऑफ सर्कल लिखने लगा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जल्दी बताएं शाबाश माइक पे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर की टू, पाई आर टू पाई आर स्क्वायर, शाबाश ओके। इसमें बेटा इसमें रेडियस क्या है, रेडियस इसमें आर है। अब सबसे पहले अब इसमें हम न्यू रेडियस हम लोग निकालेंगे, न्यू रेडियस की वैल्यू क्या आएगी इस आर में, अब वो देखे कहता है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज बाय 40%, इस आर में से आपने उसी आर का 40% आप लोगों ने डिक्रीज कर देना, माइनस कर देना। ऊपर वाले क्वेश्चन में इंक्रीज हुआ था 20%, मैंने प्लस कर दिया,
यस में डिक्रीज हुआ 40%, मैंने उसी आर में उसका उसी आर का 40% मैंने डिक्रीज कर दिया। तब आप इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 2 2 2 5, यानी कि ये बन गया आर मनफी 2/5 आर। एल्सियम ले 5, इसका एल्सियम आ गया 5R-2R, तो ये आपके पास न्यू रेडियस आ गया 3/5R या 3R/5, ये आपके पास आ गया न्यू रेडियस। आई एम श्योर सबको समझ आई होगी यहाँ तक, ठीक है। मुझे आप एक बात बताएं, अब न्यू रेडियस निकालने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हमने फाइंड आउट करना है इसका न्यू एरिया। तो न्यू एरिया कैसे आएगा? हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू, अब आर की जगह ये न्यू आर आएगा। न्यू आर कितना है? 3/5 आर। देखे ऊपर वाले क्वेश्चन सेम टू सेम, बेशक आप लोग साथ साथ देखते जाओ, सेम टू सेम वही स्टेप चल रहे हैं। अब ये देखो पाई इंटू 9/25 आर स्क्वायर, तो ये बनेगा 9/25 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया न्यू एरिया। अब यहाँ पे इसके बाद अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अब हम लोगों ने फार्मूला कौन सा लगाना है? अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है लॉस का। क्यों? क्योंकि रेडियस डिक्रीज हुआ है, इन चीजों को जरा मद्देनजर रखना है। रेडियस आपका डिक्रीज हुआ है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया डिक्रीज्ड परसेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया। लॉस का आपको फार्मूला याद होगा, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। अब आप लोग इसमें फॉर्मूला आप लोग लगा लो, इसमें वैल्यू आप लोग पुट करो। ओरिजिनल एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस न्यू एरिया कितना है? 9/25 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड पाई आर स्क्वायर इनटू 100। अब आप ऊपर दोबारा से फिर वही पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या क्या बचेगा? 1-9/25/πr² × 100, तो ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये देखे फिर आपकी वही वर्किंग आ गई, 1-9/25 × 100। अब आप इसको आप 25 आप इसका कैल्शियम लें, 25-9 × 100, ये आ गया 16/25 जरब 100, 25 4 बार 16 4 बार 64, 64% इसका राइट आंसर, ठीक है। बच्चों मुझे बताएं, अभी आपको ये वाला क्वेश्चन आपको ऊपर की निस्बत आपको जल्दी समझ आया होगा, ऐसे ही है? मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही इमरान, इमरान यार बाकी सबको यार शो हो रही है, आप एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। असल में आपने दो दो आपने अकाउंट से आपने ज्वाइन आपने किया हुआ है, तो लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ जी बच्चों बताओ, सबको समझ आ गई? ओके क्लियर, बताएं, शाबाश हो, ओके। बस सिर्फ बस सलमा को समझ आई, और किसी को नहीं समझ आई? सिर्फ बस सलमा मुजफ्फर को समझ आई है, और मुझे किसी ने नहीं बताया। अमीर आपको समझ आई है? इमरान, लारेव, वकील, जकिया, बच्चे, सायरा, सबको समझ आइए, शाबाश बेटा। आप लोग पार्टिसिपेट बेटा जरूर किया करें, आप लोगों को बेटा इसीलिए माइक मैंने ऑन किए हैं, किसी पॉइंट पे बेटा आपको ना समझे आप मुझसे जरूर डिस्कस किया करो, ठीक है ना। अच्छा अब ये तो था सर्कल की बारी थी, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ रेक्टेंगल वाले, इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे पहले ये जो बुक पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6 बेटा, इनमें देखें, इनमें वर्ड ना स्क्वायर आर स्क्वायर को बेटा रेक्टेंगल कर लो, ये बाय मिस्टेक इसमें
स्क्वेयर लिखा हो इसको बेटा, सब सब जगह ना रेक्टेंगल कर लो, 2, 3, 4 और 6 में। ठीक हो गया? अभी बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6 जहां जहां स्क्वेयर लिखे बेटा उनको रेक्टेंगल कर लें, और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए जरा। फिर उसके बाद अमीर मैं उसके बाद फिर आपको मैं शॉर्टकट की तरफ आता हूँ वन पेपर के लिए, ठीक है? ताकि मैं पहले आप लोगों को पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट आके क्लियर कर लूँ, क्योंकि आप में मोस्टली स्टूडेंट आपको पता है सीएसएस एबिलिटी के होते हैं, ताकि उनके एक दफा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने पेपर में जाके हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व हमने करना है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूँ। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं इफ द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड ऑल्टीट्यूड इज डिक्रीज बाय 20% देन द एरिया इज इंक्रीज्ड परसेंट बाय। आप लोगों को ऊपर मैंने बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई द्रव चौड़ाई, ठीक है? अच्छा अब इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ओरिजिनल एरिया हो गया ना, जैसे ऊपर मैंने पाई आर स्केल लिखा था, इसका भी देखो एरिया मैंने लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना कि इसका रेडियस आर है, इसका मतलब इसमें लेंथ क्या है, लेंथ इसमें एल है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न, लेंथ इसमें एल है और विड्थ इसमें डब्ल्यू है, समझ आ गई? ओके, अब मैं इसमें लिखूंगा न्यू लेंथ क्या है, जैसे वहां पे मैं लिखा था ना न्यू रेडियस, इसमें लिखूंगा न्यू लेंथ क्या है, इसी तरह मैं इसमें लिखूंगा न्यू विड्थ क्या है, फिर उनका जाके मैं फिर न्यू एरिया में निकालूंगा, सेम वही पैटर्न। न्यू लेंथ कैसे आएगी, इस लेंथ में इसी लेंथ का 30% इंक्रीज हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ो ना, कह रहा है इफ द बेस इज इंक्रीज बाय 30%, ये जो बेस होती है ना तो ये लेंथ होती है। आप लोगों को बताता हूँ, ये देखें एक रेक्टेंगल है ना, इसमें ये जो लेंथ है ना इसको बेस कहते हैं, और ये जो आल्टीट्यूड होता है ना, आल्टीट्यूड हो गया या परपेंडिकुलर हो गया, इसको विड्थ कहते हैं, चौड़ाई। अच्छा अब इसमें विड्थ क्या है, एंड द आल्टीट्यूड इज डिक्रीज बाय 20%, वो 20% डिक्रीज कर रहा है, देखो W में से उसी W का 20% डिक्रीज कर दो, जैसे मैं R में से उसी R का 40% मैंने डिक्रीज किया था। अब न्यू लेंथ और न्यू वेट्स निकालो, 0 कैंसिल, 10 इसका आ गया LCM, 10L प्लस 3L, और इसी तरह इधर 21, 25, तो ये W माइनस W ओवर 5, तो ये हो जाएगा 5S कैल्शियम, 5W माइनस W, ये आ गया 4W ओवर 5, ये बन गया 13L ओवर 5, समझ आ गए? ये न्यू लेंथ आ गई और ये न्यू विड्थ आ गई। अब उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हमारे पास न्यू रेडियस आ जाता था फिर हम क्या करते थे, हम उसका न्यू एरिया निकालते थे। अब हम इसका न्यू एरिया निकालेंगे, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि सेम उसी पैटर्न पे है, सेम वही स्टेप है। न्यू एरिया कैसा आएगा, लेंथ इनटू विड्थ होता है ना, लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि मैंने इसमें न्यू लेंथ और न्यू विड्थ रखनी है, मुझे इसका न्यू एरिया चाहिए। यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे 10 आता है, 13/10। अच्छा ये आ गया जी 13 × 4 = 52/10 × 5 = 50 LW, क्योंकि इसमें कोई कटिंग तो होती नहीं है ना, 5 ना 13 से कट होता है, 5 ना 4 से, 4 10 से कट होता है, लेकिन अगर आप वैसे भी अगर आप इसको लेख दें तो कोई मसला नहीं है, ये 26/25 भी आप इसको लिख सकते हो, ये देखिए 26/25 आप इसको ये भी लिख सकते हो LW, ये आ गया न्यू एरिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, किसी को याद है? इसके बाद हम लोगों को लगाना है फार्मूला, इंक्रीज हुआ ना तो एरिया इंक्रीज्ड
परसेंट, न्यू वैल्यू यानी कि न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड ओरिजिनल एरिया इनटू 100. न्यू एरिया आया 26/25 LW माइनस ओरिजिनल एरिया क्या आता है, ये देखो ओरिजिनल एरिया यही था ना LW, ये देखें L इंटू W मतलब LW, ये आ गया LW डिवाइडेड ओरिजिनल LW इंटू 100. अब ये आ गया LW बाय कॉमन आ गया, अंदर बचा 26/25 माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाय LW इंटू 100. अब ये देखो LW कैंसिल हो गया. अब आपके पास फिर वही चीज आ गई, आइस कैल्शियम ले 26/25 माइनस 1 इंटू 100, आप 25 इसका आ गया एल्सियम 26 माइनस 25 इंटू 100 1 अपॉन 25 इंटू 100 25 4% जो है एरिया वो इंक्रीज हुआ. ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई, मुझे बताइएगा सबको क्लियर. अब मैं आप लोगों को फिर इसका शॉर्टकट फिर बता दूं. बेटा इसका जो सी एस एस एबिलिटी का जो पैटर्न है, जितना इसका लेंथी पैटर्न है ना, बिल्कुल टोटली उसके ऑपोजिट इसका शॉर्टकट मेथड है. यानी कि शॉर्टकट मेथड मैक्सिमम एक दो स्टेप में सॉल्व है. ठीक है, नहीं वकील बेटा ये मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. अभी आप लोगों का जो ज्योमेट्री का जो आएगा ना, ज्योमेट्री बेटा इससे मुश्किल होगा. ज्योमेट्री में आप लोगों के कुछ और भी फार्मूलाज आपके यूज होंगे. ठीक है ना. अच्छा अब ये देखें, अब इसमें अब हम लोग लगाते हैं शॉर्टकट फार्मूला. शॉर्टकट फार्मूला भी हम लोग लगाते हैं. न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कैलकुलेशन रिपीट करें. ये बेटा ये इसकी कैलकुलेशन है न्यू एरिया की. हमारे पास न्यू लेंथ कितनी आई थी, ये आई थी. न्यू वेट तो ये आई थी. ये देखो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ मैंने पुट कर दी, ये न्यू लेंथ और ये न्यू वेट. और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट. ये इसको देख लो. सही, यहाँ पे आपने 26 25 कैसे लिखा है बेटा, 2 के टेबल कैंसिल किया. अच्छा ठीक है सर, 52 2 25 50. ओके सर, परेशान ना हुआ करें, ये जस्ट 2 के टेबल पर कैंसिल किया मैंने. इमरान समझ आ गई, आगे चलूं? हाँ जी इमरान, ओके ओके शाबाश, वेरी गुड. अभी हम इसका शॉर्टकट हम देखते हैं. शॉर्टकट में मेथड करूंगा ना, आप लोग जितने परेशान हो ना इंशाल्लाह आप लोगों का दिल खुश कर दूंगा इंशाल्लाह. ठीक है, आप लोग कहोगे सर जी शॉर्टकट ही ठीक है, शॉर्टकट ठीक है बस. ठीक है जी, ओके लारे मैं आपको मैं शेयर कर दूंगा. ये बेटा अभी असल में मैं रिकॉर्डिंग इसलिए मैं कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे ना, बाकी सारे चैप्टर्स हैं लेकिन ये वाला चैप्टर मेरा नहीं है. मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी सर जी काइंडली परसेंटेज इन ज्योमेट्री का सर चैप्टर आप ना ये अपलोड कीजिएगा, तो ये इंशाल्लाह जैसे ही मैं अपलोड मैं करूँगा यूट्यूब पे बेटा आप लोगों को लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा. ठीक है, ये मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं. अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या है. शॉर्टकट बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान, आप लोग इसको जबानी आप लोग सॉल्व करो. ठीक है, शॉर्टकट मेथड बेटा मुझे यूट्यूब वाले बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें ये उन्हीं के दुआओं का नतीजा है. यूट्यूब वाले बच्चे बड़ी दुआएं देते हैं कसम से, जैसे
रहे बेटा आप शुक्रिया अदा कर रहे हो ना, यूट्यूब वाले बच्चे बड़ी दुआएं देते हैं कि सर जी आप बड़े नेकी का काम आप कर रहे हैं, बड़े आप हमें लेक्चर प्रोवाइड अप करते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा बेटा शॉर्टकट मेथड में भी अब आप लोगों ने दोनों चीज़ें अब आप लोगों ने याद रखनी है कि जो सर्कल है ना, एक तो सर्कल हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल से ज्यादा मैंने इसको रोम्बस बना दिया, एक मिनट ठहरे, वो मेरी असल में ड्राइंग अच्छी नहीं, हम लोगों ने ड्राइंग नहीं पढ़ी, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं। चले जी आप ठीक बन गए। अच्छा जी अब बेटा ये इसमें शॉर्टकट अब आप लोगों ने क्या याद रखना है, शॉर्टकट में आप लोगों ने ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, 10 × 1000 होता है, ये आप लोगों ने भाई याद रखना है, ये एक अज्यूम्ड वैल्यू है, अज्यूम्ड वैल्यू। आप ये 10 क्या है ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका रेडियस ये अगर 10 है ना, ये दूसरा रेडियस ये भी 10 है, क्योंकि पाई आर स्केयर होता है, आर स्केयर का मतलब आर इंटू आर, तो एक रेडियस भी 10 है, दूसरा रेडियस भी 10 है। अब इनका ये मैंने लिखा है एरिया, यानी कि आर इंटू आर, इसमें पाई को मैंने हजफ मैंने कर दिया, आर इंटू आर क्या हो गया 100। ये अब आप लोगों ने अपने माइंड में आपने याद रखना है भाई 10 × 1000 होते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल का भी आप लोगों ने, इस लेंथ को भी आप लोगों ने 10 रखना है, विड्थ को भी आप लोगों ने 10 रखना है, यानी कि आपने एज अ स्केयर आपने इसको सॉल्व करना है। बस आपके माइंड में होना चाहिए सिर्फ इस कंसेप्ट के लिए 10 × 1000 होता है, ठीक है जी, आप लोगों ने याद रखना। आप देखिएगा ये उसने आपको नहीं बताना है, आपने अपने माइंड में याद रखना है। आप जरा देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ रहा हूँ दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है भाई रेडियस हमने 20% हमने इंक्रीज कर दिया। आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा शॉर्टकट मेथड से, रेडियस कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय 20%। एरिया रेडियस हम लोगों ने 20% हमने बढ़ा दिया। अब ये देखें पहले रेडियस कितना था, 10 था, अब हमने उसमें 20% हमने बढ़ा दिया। अब आप लोगों ने इसका न्यू रेडियस चेक करना है, इसका न्यू रेडियस कितना बनता है, तो 10 में अगर आप इसका 20% बढ़ाएं तो कितना बनता है, 10 का 20% कितना बनता है, 10 का 20% बनता है 2, कितना बनता है 2। अब आप लोग 10 के अंदर अगर आप लोग 2 ऐड करें इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज हुआ ना, अगर आप 10 में 2 इंक्रीज करें कितना आ गया 12, यानी कि अब आप लोगों का जो रेडियस है वो 12 है, न्यू रेडियस 12 है। अब आपका न्यू एरिया कितना आ गया 12 × 12 = 144। पहले आपके पास एरिया था 10 × 1000, अब आपके पास आ गया 12 × 12 = 144। भाई कितना चेंज हुआ है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड ओल्ड इंटू 100। अब आप खुद आप देख ले 44/100, ये देखे 44% आपका राइट आंसर है। और आप लोग बेशक पहला क्वेश्चन आप लोग देख लें, आपका 44% ही आपका आंसर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लें, मुझे बताइए समझ आई, रिपीट कर दूं, नहीं तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, उसमें इंशाल्लाह आप लोगों की रिपीटेशन भी हो जाएगी। हाँ जी बच्चों बताएं, ओके क्लियर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ ना, उसमें अभी आप लोगों की ना रिपीटेशन भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। लारे बच्चे जबरदस्त आपने लिखा, लेकिन याद रखना ये सीएसएस के लिए नहीं लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ एमपीटी के लिए बता रहा हूँ। सीएसएस के लिए लगाया है तो उसने फिर जबरदस्त उसने फिर नंबर देने, उसने फिर नंबर उसने फिर काट लेने। ये शॉर्टकट मेथड है, मैं जब भी किसी भी चैप्टर के अंदर एबिलिटी का कोई भी चैप्टर उठा लो, मैं जब कभी भी बच्चों को शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, इट डजंट मींस दैट इट इज फॉर सीएसएस एबिलिटी, नहीं, हमेशा मैं वन पेपर या सीएसएस एमपीटी स्क्रीनिंग के लिए बताऊंगा, ये चीज याद रखिएगा कभी भी। हाँ आपको इक्वेशन नहीं बन रही, ना होने से फिर होना, थोड़ा बहुत होना बेहतर है, फिर बेशक आप लोग शॉर्टकट लगा दो, ठीक है ना, ना होने से फिर वो कुछ बेहतर है वो। अच्छा अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख ले रहा, जो कि आप लोगों को उस वक्त मैंने करवाया था, 7 रेडियस वाला जरा देख ले रहा, मुझे बताएं इसने कितना रेडियस इंक्रीज किया डिक्रीज किया,
इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज बाय 40%। अब ये देखिएगा, हमारे पास है 10 × 1000, बस अब आपको मैं और भी शॉर्ट करवा रहा हूँ, 10 × 1000, 40% डिक्रीज हुआ। अब मैं साथ में कुछ लिख नहीं रहा, 40% डिक्रीज हुआ ना, तो 10 का 40% कितना बनेगा? देखो 10 का 20% बना 2, इसका मतलब 10 का 30% बनेगा 3, 10 का 40% बनेगा 4, 10 का 50% बनेगा 5। ये चीजें याद रख लो, 10 का 40% कितना बना 4, इसका मतलब 10 में से 4 कम करें तो कितने पे आ गया? 6, ये इसका न्यू रेडियस आ गया, 6 ضرب 6 ये आ गया 36, ये इसका न्यू एरिया आ गया। अब आप इसका परसेंट चेक कर लो, ओरिजिनल माइनस न्यू डिवाइडेड ओरिजिनल इनटू 100, 64/100 ضرب 100। बेटा जी चेक कर लो, आपका 64% आपका राइट आंसर। ये आप लोग जबानी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था ना, ये आपके जबानी आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। अच्छा चले, मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताओ 30% अगर मैं रेडियस अगर इंक्रीज करता हूँ तो एरिया पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये मुझे सॉल्व करके दो, शाबाश। 30% इंक्रीज करो जरा, वकील में सारे क्वेश्चन का आइडिया देता हूँ, ये मुझे जरा बताओ 30% अगर मैं रेडियस इंक्रीज करूँ तो कितना एरिया चेंज होगा, शाबाश जल्दी मुझे बताओ जबानी। 30% मतलब 3 होगा, शाबाश। और 30% रेडियस मैंने इंक्रीज किया है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज है ये। और कैसे आया वकील बच्चे, मैंने बताया है 10 का 20% मतलब 2, 30% 3, 40% 4। ये देखो 10 का 40% चेक करो, 10 का 40%, ये देखो 4 आता है। जितने परसेंट भी वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, आपने उसको 10 के हिसाब से आपने चेक करना, क्योंकि आप लोगों ने वैल्यू आपने 10 ही लेट की हुई है। जिंदाबाद, ठीक है, नॉन गुड, ज़किया बेटा शाबाश, गुड। और किसी का 69% ना आया मुझे बताएं, मैं सॉल्व कर दूं। ओके गुड, ठीक है। अच्छा आप जरा क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखे, जिसमें रेक्टेंगल की बात हो रही है उसमें भी शॉर्टकट हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा, 2 में कहता है लेंथ को 30% बढ़ाया और वेट को 20% कम किया। देखो हमारे पास लेंथ इंटू वेट यानी कि 10 × 1000 है, हमें ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब लेंथ को 30% बढ़ाए, 10 का 30% कितना बनेगा? अभी भी आपको बताया भी है 10 का 30% 3 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप 10 में आप 3 आप ऐड करें, ये कितने पे लेंथ चली गई? लेंथ चली गई 13 पे। अल्टीट्यूड कहता है मैंने 20% कम कर दिया है, कम कर दिया मतलब 10 में से 2 कम करें तो ये आ गया 8 पे, वेट आ गए 8 पे। इसका न्यू एरिया निकालें, लेंथ और वेट कितने आएंगे? 13 ضرب 8 = 104। हाँ जी, अब आप खुद आप देख लो, ओरिजिनल 100 था, अब 104 आया। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड ओल्ड इनटू 100, 4/100 ضرب 100। आंसर आप लोग मैच करें, 4% आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को रख दो, एक नजर देखें। 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना जरूरी है सायरा बेटा? हमारा देखो, हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को जो फार्मूला था मेरे बेटा, मैं सिर्फ मैं वो फार्मूला में वो लगा रहा हूँ, मैं ओरिजिनल माइनस न्यू डिवाइडेड न्यू इंटू 100 या न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड ओरिजिनल इंटू 100। मेरे बेटा ये 100 से मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई में खुद नहीं कर रहा, ये बेटा मैं फार्मूला में वो वन लगा रहा हूँ, उसमें बेटा जो जो वैल्यू आएगी बेटा मैं उसको मैं लिख दूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, ओरिजिनल हमारा बेटा अज्यूम्ड है 100, ठीक है ना। ओके अच्छा, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आओ जरा, अब मैं आप लोगों को जबानी सवाल करवाने लगा हूँ, जबानी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, मैं इधर सॉल्व नहीं करने लगा, मुझे जबानी आप सॉल्व करने लगा हूँ। देखो याद रखना 10 × 1000 है, मुझे बताओ
कहता है लेंथ एंड वेट ऑफ अ रेक्टेंगल बोथ आर डबल्ड। हाँ जी, पहले लेंथ और वेट 10 और 10 है ना, अब कितने पे चले जाएंगे आप, उनको डबल डबल करो, कितने पे चले जाएंगी? हाँ जी बच्चों बताओ, शाबाश। अगर वो 10 इंटू 10 अगर 100 है, तो अब वो कहता है लेंथ और वेट दोनों डबल हो गई, यानी आप उनको 20 20 कर दो। 20 तरह 20 कितनी हो गई? 400 मनफी 100 बटा 100 इंटू 100, ये बेटा आपका 300% आपका राइट आंसर है। देखो अब इससे आसान आपको मैं कौन सा मेथड बता सकता हूँ, कोई इससे और आसान मैं बता सकता हूँ? बताओ जरा आप लोग बेटा, इक्वेशन से सॉल्व करोगे तब भी ये आंसर आएगा, ठीक है? तो ये मेरे बेटा, ये आपको मैंने जो चैप्टर जो अभी जो करवाया है, ये वन पेपर में जरूर क्वेश्चन आते हैं, पीपीएससी के पेपरों में आते हैं, फेडरल के पेपरों में आते हैं, एनटीएस के पेपर में आते हैं, गैट जनरल में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेटा आप लोगों ने इसको कम्प्लीट करना है, और दूसरा आप लोगों को जो मैंने सेट मैंने करवाया उसका बेटा एक क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाया था वो भी कम्प्लीट कर लो। कल इंशाल्लाह हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट लेंगे, इस हफ्ते में इंशाल्लाह आप लोगों का मैथ कवर हो जाएगा, इंशाल्लाह मैथ आपका इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगा इस हफ्ते में। और अगले हफ्ते में सिर्फ दो क्लासों में आप लोगों को मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ये एनालिटिकल स्टार्ट इंशाल्लाह करवा दूंगा, ठीक है सर? अगर सेशन एंड होने के बाद भी कुछ सॉल्व ना हो तो आपसे पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, बच्चों में हाजिर हूँ इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, ठीक है? आप लोगों का मेरा ताल्लुक जब तक इंशाल्लाह जिंदगी है तब तक रहेगा इंशाल्लाह, ये नहीं कि बस आप लोगों को तो मैंने जो फीस ले ली बस इसके बाद खत्म है, नहीं बेटा ऐसे नहीं है। तो मेरे और स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है? ओके सर, सीएस का स्पेशल एग्जाम नहीं हुआ? नहीं होना बेटा इसका, मुझे अभी तक तो इसका यही न्यूज है कि होना है इंशाल्लाह, लेट्स सी, ठीक है? हाँ ये सारे कह रहे कि डिले हो गया, तो लेट्स सी, अभी तो इसकी न्यूज जैसे ही आती है बेटा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके बच्चों, कल की क्लास भी मेरी आपकी 11 नहीं, कल की क्लास मेरी आपके साथ 12 बजे होगी, वो इसलिए वो मेरी बेटी बीमार है, उसको मैंने सुबह हॉस्पिटल में लेके जाना था, तो उसको वो जरा ड्रिप लगनी थी, दैट इज मैंने अपनी क्लास ना 11 से 12 की थी। तो हाँ बेटा अभी बेहतर है माशाल्लाह, वो काफ़ी उसको चेस्ट इन्फेक्शन हुई है, बुखार उसका नहीं ठीक हो रहा था, ये कल और परसों दो दिन मैं ना तकरीबन उसको ना हॉस्पिटल ही में ले के उसको ना मैं घूमता रहा हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेटर है वो। तो कल इंशाल्लाह क्लास हमारी 12 बजे हमारी होगी, ठीक है? नहीं वकील, कल की शायद हमारी फिजिकल हमारी क्लास ना हो, आमिर कल की भी शायद मेरी यार फिजिकल क्लास में, कल भी मैंने हॉस्पिटल जाना है गुड़िया को लेके, इंशाल्लाह वेनसडे से इंशाल्लाह फिर कंफर्म हमारी फिर इंशाल्लाह फिजिकल क्लास से होंगी। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आसानी करे इंशाल्लाह, दुआ किया करें मेरे लिए भी सबके लिए भी। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम, कल इंशाल्लाह हम लोग नया चैप्टर करेंगे, अल्लाह हाफिज़।